والصلاه والسلام على محمد الامين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. इस नशस्त का पहला हिस्सा तो बाद सवाल की नजर हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं। वैसे दो तीन सवाल हम अगले नशस्त कर लेते हैं। मेरे जहन में ये बात थी कि ये इस आयत में इसी आयत के तौर पर आप स्टूडेंट किए किताब आयत के मुकाबले उसकी एक्सप्लेनेशन में दो चीज़ें किताब ये किताब और हिकमत क्या ये जो भी पूरी वही उतरी है उसके टोटल कॉन्टेंट को डिपेंड करते हैं। जी कहो कुरान मजीद का तो एक एक आयत का अगर एनालिसिस किया जाए तो दो चीज़ ये जो हिकमत को आपने सबसे डिफाइन किया है या तो ईमान की हकीकत बयान की जाएगी, ईमान क्या है उसके क्या तकाजे, जैसे मसीह ने बयान किया है, बताया कि जब तुम खुदा को मानते हो तो खुदा के हुक्मों के साथ तुम्हारा एटीट्यूड ये होना चाहिए। पहाड़ी के बाद में उन्होंने यही बयान किया, या तो ईमान की हकीकत बयान हो रही है यानी खुदा पर ईमान का क्या तकाजा है, खुदा पर ईमान है तो क्या होना चाहिए, आखिरत पर ईमान है तो क्या होना चाहिए, रसूलुल्लाह सल्लम पर ईमान है तो क्या होना चाहिए। ईमान के मबादी बयान हो रहे होंगे, ईमान के बारे में इस्तदलाल किया जा रहा हो, ईमान के बारे में सवालों के जवाब दिए जा रहे हो, क्या अखलाक दिया जाए, और अगर ये सब हो जाएगा तो कानून की जो तारीफ बयान हुई तो किसी मकसद से होती है। अंबिया की तारीख का कोई बाब नहीं है कुरान में, वो ऐसे होता है मिसाल के तौर पर उनको बताया जा रहा होता है कि अल्लाह ताला एक दिन तुमको पकड़ेगा, अब शुरू हो जाता है कि हमने मूसा के साथ ये किया, हमने यूसुफ के साथ ये किया, हमने आपके साथ ये किया। अब अगर चीज़ में तफसीली वाक्य बयान हो रहा है लेकिन वो जिस सियाक व सबाक में शुरू हुआ है तो यह ईमान की बहस है या अखलाक की बहस। कुरान मजीद तो सारा हिकमत जो आम मफहूम में दानिश के तौर पर इस्तेमाल होता है और एक रीज़न बिहाइंड के बारे में यानी कुरान मजीद में तो वो भी अगर आएगा तो क्या ईमान के बारे में कोई बात ऐसी बयान हो रही होगी या अखलाक के बारे में ऐसी बात बयान हो रही होगी या कानून की कोई हिकमत बयान की जाएगी, यानी ये तीनों। उसका तरीका ये है कि कुरान मजीद को आप मुताला करते रहते हैं, उससे मुख्तलिफ जो चीज़ नजर आए उसको देखा, इससे बात इसके इम्कान तो नहीं कि ये तस्किया करने के लिए कॉन्टेंट दीन जो है, क्योंकि बात ये दीन जो है यानी जो दीन कुरान बयान करता है वो इन्हीं दोनों चीज़ों में, बाकी तो दीन बयान करने की भी तो एक ज़रूरत होती है, यानी कहीं तमहीद बाननी पड़ती है, कहीं पस मंजर बयान करना पड़ता है। वो दुआ की जब मायदा खत्म हो जाए कुरान पढ़े तो मैं सबसे बड़ी सूरह सूरह बकरा है और उसमें सब कुछ ही एक सूरह काफ़ी हो जाती है बयान करने के लिए, कुरान में कंटेंट कैसे बयान होता है और वो क्या। ये जो आप बात बयान फरमा रहे हैं तो आमतौर पर कुरान में नज़र आती है, वो असल में ये है कि कुरान मानो हुज्जत कर रहा है, यानी आखिरत के हवाले से ईमानियात की बड़ी खराब के हवाले से इत्माम हुज्जत कर रहा है, तो उस इत्माम हुज्जत के नज़र दलाल देता है। अच्छा, जिन पर इत्माम हुज्जत कर रहा है उनके सवालों का जवाब देता है, उनकी तारीफ भी सुना देता, लेकिन असल में बात क्या कही जाए, यानी क्या ये बयान करना मकसूद है कि बनी इसराइल ने गाय ज़बह कर की थी और उसमें ये वाक़या पेश आया, यानी वो वाक्य जिस सियाक में सुनाया गया वो ये है कि जब भी तुम्हें शरीयत दी गई तुमने उसके साथ रवैया क्या रखा, यानी उसमें या अखलाकी रवैया जेरे पास आया और या ईमान मेरे पास आया। ईमान बड़ी वसी इस्तलाह है, इसीलिए मैंने वादे कर दिया था, मतलब ये है कि ईमान का एक कॉन्टेंट है ईमानियात, अल्लाह को माने, क्यामत को माने, फरिश्तों को माने, एक ये चीज़ है, और एक चीज़ ईमान क्या है। कुरान में ये चीज़ और इंजील में बहुत शार्प की जा रही है, ईमान है क्या, यानी ये बंदा एक मोमिन असल में होता है और जब वो कहता है कि मैं ईमान रखता हूँ तो उसको क्या होना चाहिए इसको जी। और ये आयत चार दफ़ा आई है और जो जबकि जो है तीन में नावत के फौरन बाद आया, एक में एंड में आया, पूरा बकरा की गाले पर 132 में एंड में आया, इसकी कोई इम्प्लिकेशन है। मैं इंशाल्लाह वो आयत पढ़ाऊंगा अभी, वो अगर मैं उस पर बहस करूँ वो आगे आ रही है ना दीन का सही सही, मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ उस आयत का जो सियाक है उसमें इसको आखिर होगा, यानी वो उसका सही स्ट्रेस बात नहीं होता, इससे कोई मुद्दा में फर्क नहीं बाकी होता, बाल अवकात आप जिस सियाक में बात कर रहे होते हैं वहाँ उसका स्ट्रेस वही होना चाहिए उस पहलू से।
और जो तीन जगह पे साथ आई है, तो क्या इससे ये मतलब समझा जाए कि तज़किए का बुनियादी तरीका जो है वो तिलावत आला कुरान को बयान करना है? कुरान असल में ये खुद बजात है, खुद बाई से तज़किया, वो तो कुरान मजीद ने दूसरी जगह बयान किया एक्सप्लेनेशन है उसकी, यानी कुरान जरिया बनना चाहिए, तज़किए की दावत का जरिया कुरान है। वो हुजूर ने बयान कर दिया जराकुम नहीं व मम उहिया इलैया हाज़ल कुरान, ये कुरान मुझ पर नाज़िल किया गया है इसलिए कि मैं कुरैश मक्का तुमको इसके ज़रिए से इंज़ार कर दूँ, और फिर ये ज़रिया इंज़ार बने उन सब के लिए जिन तक ये पहुँचा, इसको खुद कुरान ने जान लिया। आखिरी सवाल है जी, इन आयतों में जहाँ जहाँ भी आई है तरतीब में किताब पहले है और हिकमत बाद में, जबकि हकीकत वाक़े के तौर पर हिकमत पहले आती है और किताब बाद में आती है, अंबिया का तरीके का भी यही इलाके का रकम का भी जो मक्की दौर है उसमें हिकमत की बातें ज़्यादा है और किताब का बाद में, इसको रिवर्स बयान करने में कोई उसकी वो बहुत बड़ी वजह जो है वो ये है कि यहूद अपने आप को शरीयत का बड़ा हामिल कराते हैं और शरीयत ही उनका असल तुर्रा इम्तियाज भी है, बाई से फख्र भी है। तो यहाँ क्योंकि सारा पहलू ये है कि ये जो कुछ मैंने तुमको दिया मैं बनी इस्माइल को भी देने वाला हूँ, तो ख़ास तौर पर अपनी शरीयत को स्ट्रेस कर दिया। तो जनाब हम इस पैरे पर पहुंचे थे कि यही कानून और हिकमत जो दीन हक है जिसे इस्लाम से ताबीर किया जाता है, यानी जब हम लफ्ज़ इस्लाम बोलते हैं तो उसका मतलब यह है कि पूरा कंटेंट दो अज्जा में मुनकसिम है, एक कानून और दूसरे हिकमत। इसके माखज की तफसील हम इस तरह करते हैं, यानी माखज बिलिजमाल क्या है, अल्लाह देता है मोहम्मद रसूलुल्लाह से अब क़यामत तक के लिए सादिर हो गया है, लेकिन इसकी तफसील हम इस तरह करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दीन आपके सहाबा के इजमा और कौली व अमली तवातुर से मुनकिर हुआ और दो सूरतों में इस उम्मत को मिला है। इसमें कुछ इस्तलाहात है तो थोड़ी देर के लिए पहले उनको समझ लीजिए। पहले ये जान लीजिए कि इजमा और तवातुर ये कोई हमारी दीनी इस्तलाहात नहीं, यानी ऐसा नहीं कि ये इस्तलाहात कोई कुरान की मदद करता है या ये इस्तलाहात पैगंबर की मदद करता है या ये इस्तलाहात कोई खास दीनी पस मंजर रखती हैं। दुनिया में जितना भी इल्म मुंतकिल हुआ है, यानी जब भी कभी कोई शख्स कुछ कहेगा कुछ लिखेगा, जितना इल्म भी मुंतकिल होगा तारीख से, वो इन्हीं दो राय से मुंतकिल होता है, यानी या वो इजमा से मुंतकिल होगा या अखबार हाथ से मुंतकिल होगा। इजमा का मतलब क्या है? इजमा का मतलब यह है, यानी इसको दीनी इस्तलाह से अलग कर दीजिए, ये ऐसा ही एक लफ्ज़ है कि जैसे हम उर्दू जुबान के दूसरे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, अरबी जुबान के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। कार्ल मार्क्स ने डास कैपिटल लिखी, अब लिखी उसने तो दुनिया में इस बात के ऊपर इत्तेफाक है कुछ नहीं, यानी इसी को अरबी में इजमा कहते हैं, इस पर इत्तेफाक की लिखी, इसमें दोनों चीजें होती हैं, यानी पॉजिटिव मुस्बत तरीके पर इत्तेफाक होता है और मनफी पहलू से कोई उससे इख्तलाफ नहीं होता। जब ये दोनों चीजें हो जाती हैं, अगर कोई इख्तलाफ कर देगा तो बहस हो जाएगी, लेकिन दोनों चीजें जहां जमा हो जाए कि ना तो मुस्बत तौर पर इत्तेफाक के मामले में कोई तरद्दुद हो और ना मनफी तौर पर कोई आदमी कहे कि ऐसा नहीं। बाले जिब्रील अल्लामा इकबाल की तस्नीद है, यानी मुस्बत तौर पर भी सारी दुनिया मानती है और इसके खिलाफ भी अब तक कोई बात नहीं सुनी। तो जब कोई चीज इस दर्जे में बयान होती है तो हम कहते हैं कि भाई इस पर तो इजमा है, इस पर तो सबका इत्तेफाक है, ये तो ज़ेरे बहस आने का मसला नहीं है, इसमें दो राय नहीं हो सकती। अरे ये हमारे यहाँ जितनी भी तारीखी मालूमात हमको मुमकिन होती है उन सब का सबसे ज्यादा कभी सबसे ज्यादा मुस्तरद जरिया इजमा या इत्तेफाक, यानी हमारे पास कोई और जरिया मौजूद नहीं है दुनिया की करीम तारीख में, यही होता। आप कहते हैं कि एक ऐसी बात है इसके बारे में कोई इख्तलाफ नहीं, सब लोग भी कहते हैं कि ऐसे ही हुआ, सब लोग कहते हैं ऐसे ही हुआ था, किसी ने इससे इख्तलाफ नहीं किया, तो दोनों चीजें होनी चाहिए। यानी अगर इख्तलाफ हो जाता है किसी मामले में फिर बहस हो जाएगी, बहस होने के बाद ऐसा भी होता है कि वो इख्तलाफ एक बिल्कुल लागी आदमी ने कर दिया होता है या ऐसे ही कुछ, यानी शोहरत हासिल करने के लिए किसी आदमी ने कोई चीज लिख दी होती है, तो थोड़ी सी इल्मी तंकी के बाद वो भी खत्म हो जाता है, तो कहते हैं कि वो ऐसा इख्तलाफ है जैसे अरबी जुबान में कहते हैं मंतिक इस्लाम ला योग होगी, यानी ऐसा इख्तलाफ है कि जिसको फिर नजरअंदाज कर देना चाहिए, तो तब भी वो इजमा कायम होता है, यानी इख्तलाफ हो तो गया लेकिन वो इख्तलाफ ऐसा नहीं था कि उसे कोई साहिब-ए-इल्म आदमी, कोई सोचने समझने वाला आदमी
कैटर करें, खत्म हो जाता है। ये इजमा है। अब जब हम कहते हैं कि सहाबा के इजमा से दीन हमको मिला है, यानी इसको भी समझ लेना, दूसरी ताबीर आ गई कि सहाबा के इजमा से मिला है, बातों को भी छोड़ दीजिए, तो मतलब क्या है? मिसाल के तौर पर यूं देखिए कि सहाबा किराम 60 हिजरी तक, यानी नज़्म मुसलमानों का उनके हाथ में रहा है, तो 60 नज़्म उनके पास रहा है। इस सारे अरसे के दौरान में वो इस बात पर बिल्कुल मुत्तफिक थे कि ये कुरान मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुई है, उनमें से किसी को इसमें इख्तलाफ नहीं, यानी देखिए मैंने दोनों जुमले बोल दिए, वो इस पर बिल्कुल मुत्तफिक थे कि कुरान मजीद मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की किताब की हैसियत से हमको दिया है, और उनमें से किसी ने इससे इख्तलाफ नहीं। एक जम्मे गफीर था उनका, वो सब इससे मुत्तफिक थे, यानी रसूलुल्लाह सल्लम तो एक वजूद है, जाहिर है उनसे सैकड़ों हजारों सहाबाए किराम ने कुरान पाया और वो सब इस पर मुत्तफिक थे। नमाज है मिसाल के तौर पर, तो वो सब के सब इस पर मुत्तफिक थे कि ये नमाज रसूलुल्लाह सल्लम ने हमको सिखाई है पढ़ने के लिए या इबादत के लिए, और उनमें किसी को इससे इख्तलाफ नहीं। तो ये चीज क्या है? ये है इजमा उनका। अच्छा, अब थोड़ी देर के लिए तवातुर चूंकि आगे इस्तेमाल हुआ, तो एक और पहलू समझिए। एक मफरूजा सामने रखिए कि रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान दिया सहाबाए किराम, रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी और सहाबाए किराम ने आपके साथ नमाज पढ़ी, ये जितने सहाबाए किराम थे इन्होंने, यानी माज़ अल्लाह मैं सिर्फ बात समझाने के लिए कर रहा हूँ, रसूलुल्लाह सल्लम की वफात के अगले दिन ये ऐलान कर दिया कि ना उनका कुरान पर ईमान है, ना वो अब मोमिन रहे हैं और ना वो अब नमाज पढ़ रहे हैं, ये ऐलान कर दिया एक मफरूजे के तौर पर। लेकिन वो सब बिल इत्तेफाक ये कहते हैं कि हाँ कुरान मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया था और नमाज उन्होंने पढ़ी, तो इजमा में कोई फर्क नहीं, यानी उन्होंने तर्क भी कर दी और कुरान मजीद से गोया इजहार तअल्लुक भी कर दिया, लेकिन इल्मी दुनिया में वो एक मुजमा आला चीज है, क्योंकि वो ये नहीं कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि ये हमको दिया नहीं गया, और ये भी नहीं कह रहे कि ये हमको पढ़ाई गई। तो इजमा का मतलब ये है, गोया इजमा असल में इल्मी इत्तेफाक होता है, लाजिम नहीं है कि उसके अंदर ईमान या अमल शामिल हो, इल्मी इत्तेफाक जैसे दुनिया की बेशुमार और चीजों के बारे में होता है ऐसे ही होता है। तो सहाबाए किराम के बारे में पहली बात जो एस्टेब्लिश होती है वो ये है कि उन्होंने कुरान मजीद के बारे में भी बिल इत्तेफाक ये शहादत दी कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमको दिया है, और उनमें से किसी ने इससे इख्तलाफ भी नहीं किया। और मैंने अर्ज कर दिया कि अगर वो ईमान से भी अलग हो जाते और अमल से भी अलग हो जाते तब भी इल्मी लिहाज से सूरत हाल में कोई फर्क नहीं होता, इसलिए कि उनकी ये शहादत तारीख को मुंतकिल हो गई। कार्ल मार्क्स ने डास्क्रिप्टर लिखी, उसके 50-100 हजार लोगों ने ये कहा कि ये किताब बड़ी लग रहा है, हम तो छोड़ रहे हैं इस किताब को, लिखी वजह से इससे असल में किताब के अपने इस्तेमाल में कोई फर्क बाकी नहीं हुआ, छोड़ने वाले छोड़ गए, ये एक बहन हुआ। अब उसके बाद ये क्यों कहा गया, उसके बाद इजमा काफी था, ये कौली अमली तवातुर यानी एक दूसरी चीज हुई, और वो दूसरी चीज ये है कि सहाबाए किराम ने ना सिर्फ ये कि ये शहादत दी है तारीख इंसानी के सामने कि ये कुरान मोहम्मद रसूलुल्लाह पर नाज़िल हुआ है, अल्लाह की किताब की हैसियत से उन्होंने इसी हैसियत से हमको दिया है, बल्कि वो कुरान मजीद को अपनी उस 60-70 साल के ज़माने में हर रोज़ ऐसी तलावत करते थे, यानी छोड़ सकते थे तब भी फर्क न पड़ता, वो ईमान से इनकार कब भी फर्क न पड़ता, यानी उनमें ये शय हो जाए, वो कुरान मजीद को ऐसे ही पढ़ रहे थे। ये जो पढ़ने का अमल उनके यहाँ हुआ है ये कौली तवातुर है, यानी हर दिन, ऐसा नहीं कि कोई एक दिन मुनकते हो गया हो और उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया, यानी नमाज में पढ़ रहे हैं, वैसे पढ़ रहे हैं, वो लोगों को सुना रहे हैं, वो तलावत कर रहे हैं, वो बैठे हुए दर्स दे रहे हैं, यानी कुरान मजीद के ऊपर उनका जो तवातुर, ये तवातुर जो है ये कुरान के साथ दुनिया की पूरी तारीख में खास है, ये कौली तवातुर, यानी दास कैपिटल पर इजमा है कि वो काल मास की किताब है। तवातुर एक जायद चीज है जो दुनिया में और किसी किताब को आज तक हासिल नहीं हो सका, और वो ये कि गैर मामूली तादाद उसको जुबानी
मिनट के लिए भी ये चीज मुनकते नहीं होती, किस वक्त मुनकते नहीं होती, यानी मुसलसल पढ़ा जाता है उसकी तलावत, यानी आप हरम में दाखिल हो जाए इस पर, एक ऐसी जगह ना कि जहां पर बहुत लोग पढ़ रहे होते हैं, मुसलसल पढ़ा जाता है। तो आजकल के जमाने में तो बहुत लोग आदि हो गए, उनके सामने नुस्खे हैं, उस जमाने में तो नुस्खे कहीं कहीं होते थे, तो सहाबाए किराम क्या इसको कौली तवातुर हासिल, ये जायद चीज है। मैं फिर अर्ज कर दूं कि इजमा जो है इसके लिए कुरान का जुबानी याद होना और रोज पढ़ना उसका, और हर आदमी का पढ़ना, बेशुमार लोगों का पढ़ना और मुसलसल पढ़ना, ये जरूरी नहीं, यानी किताब उनके पास रखी हुई है लेकिन वो कहते हैं कि इस पे इजमा है, इत्तेफाक है, ये कुरान मजीद के साथ खास चीज है, यानी इसको तवातुर भी हासिल है, इसका जो मतन है उसको तवातुर भी हासिल है, मुसलसल इसकी तलावत हो रही है, जुबानी इसको पढ़ा जा रहा है। एक दूसरी बात ये तवातुर कौली तवातुर से बढ़ा दी है। अच्छा, यही मामला जो है वो अमल में है, यानी नमाज के बारे में सिर्फ ये शहादत ही सहाबा इकराम की नहीं है हमारे पास, तो वो ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 वक्त ये नमाज इस तरह से पढ़ी, और उसको बयान कर देते हैं, नहीं वो पढ़ रहे हैं, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से रुखसत हुए तो उज़ूर पढ़ रहे थे, अगले दिन सुबह भी पढ़ रहे थे, दोपहर को भी पढ़ रहे थे, यानी इसमें कोई इंकिता नहीं आया उनकी 60-70 साल के नज़्म में, हर जगह पढ़ रहे थे, वो हरम में भी पढ़ रहे थे, मदीने में भी पढ़ रहे थे, यानी नमाज एक ऐसी चीज़ है ना कि जिसमें कोई आप फसल तो पैदा कर ही नहीं सकते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जसद मुबारक भी जब सामने रखा हुआ तो उसमें पढ़ रहे, रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने हुजरे में थे तो पढ़ रहे, यानी ये नमाज के पढ़ने के अमल के ऊपर तारीखी रिकॉर्ड में कभी कोई इनकता से आ रहा है, ऐसा नहीं कि उनमें से लोगों ने छोड़ दी हो या कोई 10-15 दिन उन्होंने कहा चल नहीं पढ़ते इस बात को, यानी वो पढ़ते रहते, ये अमली तवातुर है कि रोज नमाज, यानी ऐसा कोई तारीखी रिकॉर्ड की चीज़ मौजूद नहीं है, ये कहा जाए कि फलां वक्त में तो 2 दिन के लिए नहीं पढ़ते सहाबा इकराम अभी से रहता है, ये अमली तवातुर है, यानी ये चीज अमलन हो रही है और रोजाना हो रही है, हज है तो अब 60-70 साल में जाना, हर साल आया, हर साल आया और हर साल सहाबा इकराम ने किया है हज, यानी उनकी एक तादाद कर रही है, दूसरी तस्वीर कर रही है, तीसरी मुंतजर बैठी हुई है, तो इजमा भी हासिल है और सैकड़ों हजारों की तादाद में वो हज कर भी रहे हैं। यही मामला बहुत सी दूसरी चीजों का है, वो आगे जेर बहस आ जाएगा किन चीजों का। अब ये है इजमा और कौली और अमली तवातुर, यानी तवातुर के लिए किसी चीज का अगर वो कलाम है तो जुबान से मुसलसल अदा होना बगैर इंकता के जरूरी है, और अगर वो अमली चीज है तो उस पर अमल पैरा होना जरूरी है, यानी अगर वो ऐसी चीज है कि आप करते हैं तो तवातुर का मतलब ये है कि फिर उसमें इंकता ना आए, तवातुर असल में अदम इंकता को जाता है, यानी ये चीज ऐसा नहीं है 10 दिन के लिए भी अगर मिसाल के तौर पर सहाबा इकराम नमाज पढ़ना छोड़ देते तो तवातुर खत्म हो जाता है, इजमा इसके बावजूद पढ़ रहा है, यानी तवातुर का मतलब है कि ऐसा एक दिन भी नहीं आया उनकी जिंदगी में कि जिसमें नमाज का एहतमाम ना हुआ मुसलमानों की बस्तियों में, यानी इस वक्त भी सुनते हैं यही कि मुसलमानों की बस्तियों के अंदर नमाज में कोई इंकता नहीं है, यानी हो सकता है मैंने ना पढ़ी हो, आपने ना पढ़ी हो, ये अलग बात है, लेकिन इंकता नहीं, हम सब जानते हैं कि इस वक्त भी जब हम यहाँ गुफ्तगू कर रहे हैं टाइम होगा नमाज पढ़ी जा रही है मस्जिद के अंदर, यानी इससे हम वाकिफ बहुत अच्छी तरह से। तो तवातुर का मतलब ये है और इजमा का ये दोनों समझ लेना चाहिए। अमली तवातुर तो दुनिया से जा सकता है, यानी सिर्फ यही नहीं है, बहुत से रिचुअल्स हिंदुओं के होंगे, मसीहियों के होंगे, तो उनको तवातुर हासिल है, गैर मजहबी भी है, बहुत सी तकलीफात रसूम है जिनको तवातुर हासिल हो जाता है, लेकिन कौली तवातुर किताबों को हासिल है, बेशुमार और चीजों को हासिल है, कौली तवातुर ये कुरान की खसूसियत है, ये दुनिया में किसी और किताब के साथ नहीं हुआ कि उसको बेशुमार लोगों ने। मैं एक मरतबा एक मस्जिद में इतकाब पे बैठा, बिल्कुल मस्जिद में जब मैं मालूम हुआ कि बहुत मोटे ताजे को 20-25 आदमी उसमें आ गए हैं, और जब रात के वक्त तो चले जाते थे तराई वगैरह पढ़ाने के लिए, सुबह के वक्त जब उन्होंने पहले दिन एहतिकाफ में शुरू किया तो मालूम हुआ कि सब बैठे हुए एक दूसरे के साथ कुरान मजीद का मुज़ाकरा और हुफ़ाज़ थे, उस मस्जिद में उन्होंने डेरा डाला हुआ था मुख्तलिफ मस्जिदों में, ऐसा अजीब मंजर था कि आप क्या अर्ज करूँ, यानी आदमी जब इकट्ठे हुए तो आम हालात में हमें अंदाजा नहीं होता कि कितने लोग हैं जो मुसलसल इसी तरीके से, तो सहाबा इकराम जिस तरह है, यानी इसमें भी आगे भी इनके तारीख हुआ, आज भी यही सूरत है, हजारों लाखों की तादाद में लोग जो है वो मुसलसल याद कर रहे हैं, सुना रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और यही सूरत है सहाबा इकराम के जमाने में भी तारीखी रिकॉर्ड में है। और अमली तवातुर मैंने अर्ज किया कि ये दुनिया की बार और चीज़ों में भी हासिल हो जाता है, वह है बहुत से रसूम बहुत सी चीज़ों को हासिल है, ये दो समझ। अच्छा, मैंने ये अर्ज किया था कि इजमा और तवातुर ये तारीख इंसानी में चीज़ों के मुंतकिल होने के सबसे ज्यादा मुस्तनद ज़राए,
यानी इसका ये मतलब नहीं कि इसके बाद भी गलती का विकार हो सकता है, यानी ये सबसे ज्यादा, इससे ज्यादा फिर आगे कोई चीज हो नहीं सकती। दूसरा जो जरिया वो अखबार आहार, अखबार आहार का मतलब, अखबार आहार भी वो हमारी खास इस्तेमाल नहीं है, इसका मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर एक आदमी, दो आदमी, चार आदमी, यानी ऐसे लोग कि जिनके बारे में ये दावा नहीं किया जा सकता कि ये कोई बहुत जम्मे गफीर मुत्तफिक हो गया, वो बेशुमार बातें बयान कर रहे हैं। तारीखी वाकयात जितने हैं अगर आप देखें तो वो 90-95% अखबार आहार ही से मुंतकिल होते हैं। एक पानीपत की लड़ाई की रवायत जो है, एक तो ये ना कि पानीपत में लड़ाई हुई तो इस पर तो हो सकता है इजमा हो जाए, लेकिन उसके बेशुमार जुजी वाकयात होंगे जो तारीख वाले लिख रहे होंगे, गुफ्तगुएं होंगी, बातें होंगी, तैयारी होगी, लश्कर में कितने लोग थे, क्या हुआ, ये सब अखबार आहार होते हैं। हमारे यहाँ जितना हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है वो सारा का सारा असल में ये दो चार आदमी उसको बयान कर रहे होते हैं और वो चल रहा होता है इस तरीके से। तो इजमा का मतलब यानी इल्मी तौर पर इत्तेफाक है, और तवातुर का मतलब ये है कि एक बहुत बड़ी तादाद, एक जम्मे गफीर उस सूरत हाल को ऐसे मुंतकिल कर रहा है कि उसमें कोई इनकता नहीं बाकी होता, यानी ऐसा नहीं है कि आप कह सकें कि आज ये था और कल नहीं, इनकता नहीं, जो उसकी रूटीन है, यानी जोहर की नमाज के वक्त ही जाए जोहर की नमाज पढ़ी जाएगी वो हो रही है, और हज बहरमजुल हज में होगा वो हो रहा है, उसके अंदर किसी तौहीद का कोई इनकता बाकी नहीं होता। ये इन इस्तलाहात की मैंने वजाहत कर दी। कोई सवाल का अंदर आपसे वादे किया कि जब हम कहते हैं इजमा और कौली और अमली तवातुर तो कोई दीनी इस्तला नहीं बोल रहे होते, बल्कि दुनिया में किसी चीज के मुंतकिल करने का जो सबसे ज्यादा मुस्तनद जरिया है उसका जिक्र करते हैं। इसको बहुत अच्छी तरह समझ जाना चाहिए, यानी ये हमारी कोई दीनी इस्तलाहात नहीं, ये कोई कुरान और सुन्नत पर मबनी इस्तलाहात नहीं है। हमें अगर हमारा कुरान या हमारा दीन एक दो आदमियों की तारीखी रवायत से मिला होता तो हम कहते हैं अखबार हाथ से मुंतकिल हुआ, और ये अगर हमें इजमा और तवातुर से मिला है तो इजमा और तवातुर मैंने अर्ज किया कि बेशुमार और चीजों को भी हासिल है। कौली तवातुर में कुरान मुनफरद है, लेकिन इजमा और अमली तवातुर दुनिया में बेशुमार चीजों को हासिल है। ये दुनिया में किसी चीज के मुंतकिल होने का मुस्तनद तरीन जरिया है, यानी इससे ज्यादा कोई मुस्तनद जरिया मुमकिन नहीं है, अब तक नहीं है, अभी तक नहीं है। हो सकता है कि दुनिया में टेक्नोलॉजी बहुत तरक्की हो रही है, इससे मुख्तलिफ भी कोई जाए इजाद हुए हैं, अब तक दुनिया में जो इलम भी मुंतकिल होता है वो आखिरी दर्जे में इस्तलाक को पहुंच जाता है दुनियावी लिहाज से, आखिरी दर्जे में जब उसको इजमा और तवातुर, यानी चीज पर इल्मी इत्तेफाक भी है, कोई इख्तलाफ नहीं कर रहा, और उसको तसलसल भी हासिल है, उसमें कोई इंकिता नहीं हुआ। अब अगर इसके खिलाफ कोई बात आएगी तो गौर किया जाएगा, वरना यह है कि जब ये चीज हासिल हो जाती है तो हम मुतमिन होते हैं कि जो चीज भी हमारे सामने रखी जा रही है वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तवातुर का लफ्ज खास तौर पर इसलिए बोलना जरूरी होता है, जिस तरह मैंने अर्ज किया कि इजमा तो सिर्फ किसी चीज के वकू के ऊपर इत्तेफाक को बयान करता है, तसलसल को बयान नहीं करता, यानी ये लाजिम नहीं है। हो सकता है काल मास की किताब के बारे में सारी दुनिया को इत्तेफाक हो, उसके बाद किताब लिख के एक लाइब्रेरी में रख दी गई, किसी ने देखी भी ना उठा, ये मुमकिन है, लेकिन इत्तेफाक सब लोगों को डायलॉग ऑफ प्लेटो प्लेटो में लिखे, पैराडाइज मिल्टन ने लिखी थी, ये इत्तेफाक हो गया इस बात के बारे में। अच्छा, अब कुरान मजीद के साथ और हमारे दीन के मामले में सिर्फ इंफरादियत जो है वो कौली तवातुर की है, इसको समझिए। तो ये मैंने बात बयान की, क्यों बयान की जी, ये जो आप सबसे ज्यादा काबिल और वो उन लोगों के लिए तवातुर और इजमा का मसला है, तो इस सूरत में यानी वो तो काबिल इत्मीनान नहीं रहती, अगर कुरान को हम माने कि ये अल्लाह की किताब है और इख्तलाफ कर रही है तो फिर वो इजमा और तवातुर ही का इख्तलाफ है, इस सूरत में वो उसकी रिलायबिलिटी खत्म हो जाती
तवातुर हासिल नहीं है, मिसाल तो वो देना, इजमा तो हो सकता है। लेकिन हजरत मसीह का जो मामला है तरीक का, मैं कह रहा हूँ कि आप मिसाल वो दें कि जो आप देना चाहते हैं, तौरात पर वो सवाल सादिक नहीं आता, तौरात तो तवातुर हासिल नहीं है, तवातुर के अंदर बात खत्म हो जाती है, बल्कि इजमा भी हासिल नहीं है। ये इजमा नहीं है इस वक्त तौरात के बारे में कि ये जो है ये ओरिजिनल नुस्खा होता है, ये इजमा नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और जितने लोगों की राय नकल हुई है वो पॉजिटिव की सपोर्ट करती है, तो क्रिश्चियनिटी की तारीख में इस सलीब के वाक्य से कोई इख्तलाफ नकल नहीं हुआ। यही सवाल आपको करना चाहिए। पहले तो ये बात समझ लीजिए कि तवातुर का लफ्ज़ इस पर मत बोलिए, इसलिए कि ये खबर है। तवातुर तो या अमल को हासिल होगा या कलाम को हासिल होगा, तवातुर को हासिल हो नहीं सकता, खबर है। इसलिए ये भी समझ लीजिए कि खबरें मुतवातर एक और चीज़ है और कौली और अमली तवातुर एक बिल्कुल अलग चीज़ है। खबरें मुतवातर का मतलब ये होता है कि एक बहुत बड़ी तादाद वो खबर बयान कर रही है। असल में ये इजमा ही की एक जरा निचली किस्म है, यानी जो खबरें मुतवातर है ये बिल्कुल अलग चीज है। तो ये जो आप बयान कर रहे हैं ये खबर है जिसके ऊपर एक दुनिया का इजमा है, ये ठीक है बात। लेकिन इसके लिए जो तवातुर का यहां लफ्ज़ बोला गया कौली और अमली, वो तो इस पर बोला ही नहीं जा सकता। ये बात वाले हो गए। अच्छा, अब इजमा ये बिल्कुल ठीक है और इज्तिमा इजमा भी एक बड़ा मुस्तनद जरिया है। सवाल यह कुरान ने क्या कहा, कुरान ने उस खबर की हकीकत को चैलेंज किया है, वजूद को चैलेंज नहीं किया। यानी कुरान ने यह नहीं कहा, यह नहीं कहा कुरान मजीद ने कि ये जो मामला या वाकया हुआ था वो वाकया ही तुम गलत रिपोर्ट कर रहे हो, यह कुरान ने कहीं नहीं कहा। कुरान ये कहता है कि जो वाकया हुआ था तुमने उसको वैसे ही देखा लेकिन हकीकत में वो वैसे नहीं। और ये कुरान में इसकी बड़ी उम्दा मिसालें हैं बात कि अल्लाह ताला जिस वक्त तथहीर और तस्किये का अमल कर रहे होते हैं, ये तथहीर कुरान और मानी में इस्तेमाल करता है, वो मैं आगे बयान करूंगा उसे, जब वो अमल कर रहे होते हैं, ये मैं अमल कर रहे होते वाली तथहीर बोल रहा हूँ, यानी एक खास गिरोह के लिए क़यामत बर्पा करके नेकोकारों और बदों को अलग कर रहे होते हैं, तो एक इम्तहान उनका हो रहा होता है जिनको वो रांदा दरगाह करार दे रहे होते हैं और एक इम्तहान उनका हो रहा था जो मानने वाले होते हैं, और उनके लिए भी चीज़ें मुश्तबे होती हैं। यानी कुरान मजीद ने इसकी नफी नहीं की, तो उनके लिए भी मामला मुश्तबे हो गया और बहुत इश्तबा में वो पड़े इस मामले में, यहाँ तक कि इंजील हमको बताती है कि हजरत मसीह को भी उन्हें आके इत्मीनान दिलाना पड़ा कि ये मैं मुझे कुछ नहीं हुआ और वो भाग गए और उन्होंने कहा मैं तुम्हें मछली खा के दिखाता हूँ, मैं रूह नहीं हूँ। यानी ये इस्तेबा तो खुद उनको भी लायक हो गया। तो कुरान ने इसमें भी नफ्स वाक्य को चैलेंज नहीं किया, अगर वो नफ्स वाक्य को चैलेंज कर देता तो फिर आपके सवाल पर वो तो कहते हैं कि जो कुछ हुआ उसकी हकीकत जो है वो तुम लोगों को मालूम नहीं, ऐसा हुआ नहीं। मतलब हम सब ने देखा कि भाई अज़ाज़ा अपनी कुर्सी से उठे और आसमान पर तशरीफ ले गए, ये वाक्य तो हमने देखा। अब एक आदमी आगे बताता है कि ये असल में नजरबंदी हुई आपकी, ये जादू था, तो उसकी रिपोर्टिंग में कोई मसला नहीं। अभी मैंने पिछले दिनों वो देखा जिसमें उसने लिबर्टी जो है स्टेचू ऑफ लिबर्टी को गायब कर दिया, हजारों लोग सामने खड़े हैं, तो जाहिर है कि वो एक खास फन है जिसके जरिए से उसने बहुत से लोगों को जरूरत में मुबतला कर दिया, कैमरों के लिए भी गायब हो गया, रोशनियों के लिए भी गायब हो गया, उसकी वीडियो बनी हुई आप उसको देखिए, आदमी परेशान हो जाता है क्या हो गया, दीवारें चीन में से गुजर गया। तो ये मुजाहरा उसने किया, हजारों लोगों के सामने किया, हेलीकॉप्टर भी उड़ रहे थे, तैयारे भी उड़ रहे थे, सब है। अब उसके बाद जो वाकया है, कल को एक आदमी ये कहता है कि नहीं स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी गायब नहीं हुआ, तो असल में वो उस फन को चैलेंज कर रहा है, खबर को चैलेंज नहीं कर रहा। तो कुरान ने हजरत मसीह के बारे में खबर को चैलेंज नहीं किया, वो ये कहता है कि नहीं तुम लोगों को शुबा हुआ वलाकिन शुबिया लहु, तुम लोगों को इश्तबा हो गया, असल में वाकया ये हकीकत। और कोई मिसाल दे, मैं तो इसमें एक बड़ी
इम्पोर्टेंट चीज होती है, तो गोया वो जो बयान करते हैं वो बिल्कुल सही बयान करते हैं। जी बिल्कुल ठीक बात है, तो हम सब ये बातें मानते हैं। हमने उनको क्या कहा, हमारे परवरदिगार ने ये बताया कि तुम लोग गलत फहमी हो, यानी अल्लाह ताला ना बताते तो 575-76 तक 610 तक जब तक ये कुरान में ये हमला नहीं हुआ सारी दुनिया नहीं मानते। आपके कुरान ने उस नफ्स वाक्य में चैलेंज नहीं किया, वो तब वो कहता कि नहीं तुम लोग बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, ये वाक्य कोई नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुम्हारे लिए मामला मुश्तबे कर दिया, जब बेचारों के लिए मुश्तबे कर दिया गया तो फिर वो हो गया मुश्तबे। उनके एतबार से देखा जाए तो वो ये कौली तो वादा नहीं बनता है, क्योंकि उनके तो सारे लोग इसको मान रहे हैं। मैंने उसको चैलेंज नहीं किया, ठीक है इजमा है उसको, इसमें तो कोई शुबा ही नहीं, यानी इजमा के वकू पर कोई शुबा नहीं है, अल्लाह ताला ने उसकी हकीकत वादे कर दी। ये ऐसे ही है जैसे मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला की एक किताब नाजिल हो और उसमें ये बताया जाए कि ये जो तुम लोगों का बड़ा इत्तेफाक है ना, मोहम्मद रसूलुल्लाह आए थे उन्होंने किताब दी थी, ये तो असल में एक मुजाहरा था फरिश्तों का, ऐसा बात कहीं नहीं भाई, इससे वो इमाम कुछ भी नहीं हुआ, यानी हमारे साथ हाथ हो गया, वारदात हो गई, बस ये इसका मतलब ये है, इससे वो असल जो उसूल है उसको कुछ नहीं होता। तो मैं यर्ज कर रहा था कि ये दीन, आप देखिए मैंने अल्फाज ये इस्तेमाल किए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ये दीन आपके सहाबा के इजमा और कौली और अमली तवातुर से मुनकिर हुआ और दो सूरतों में इस उम्मत को मिला है। कुरान मजीद सुनकर मैंने पिछले लेक्चर में वजाहत कर दी थी कि मैं इसकी जगह दीन इब्राहिमी की रवायत ये लिख देता, लेकिन चूंकि ये इस तरह मारूफ हो चुकी है तो मैंने मुनासिब नहीं समझा इसको खाम खा फितने का मौजू बनाना, मुद्दा वही है, लफ्ज़ को बोला जा सकता है अम्बिया अलैहिस्सलाम का दीन या अम्बिया अलैहिस्सलाम का तरीका जिसकी रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्वीर के आगे इसकी फनी तारीफ आ जाएगी, वो हम आगे जाएंगे। इस वक्त मुझे आपको ये बताना है कि असल में यहाँ मैं क्या इख्तलाफ कर रहा हूँ लोगों से। तो अगर डॉक्टर अगर तारिक साहब ने आपको दे दिया है एक मजदूर दे दी, ये इब्न अब्दुल बर का इक्तबास और जलील कदर अहले इल्म में से हैं, इनकी किताब जामे बयान इल्म जो है वो इस मौजू पर यानी उसूल मबादी का इल्म जो इसका मौजू है उसके ऊपर एक उम्र किताब की हैसियत रखती है, बेहतरीन मवाद उसमें उन्होंने जमा कर दिए, इसमें से ये इक्तबास किया गया है जिसका अरबी मतन भी यहाँ मौजूद है आपके सामने, इसकी इसका उर्दू तर्जुमा भी मौजूद है और अंग्रेजी तर्जुमा भी मौजूद है। ये मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारे सलफ खलफ के उलमा हैं वो जब ये जुमला जो मैंने लिखा है इसकी जगह क्या है इसको पहले आप समझ लीजिए फिर उसमें चलते हैं ताकि ये मालूम हो जाए कि वो क्या कहते हैं। ये देखिए इसको मैं उर्दू में पढ़ रहा हूँ, पहले उन्होंने बयान किया कि अल्लाह उसूलुल इल्म फल किताब व सुन्ना, यानी इल्म की बुनियादें कुरान और सुन्नत, ये तो वही बात हुई, यानी दो सूरतों में मिला है कुरान और सुन्नत, यहाँ कोई इख्तलाफ नहीं, कुरान और सुन्नत है। जी वो मुराद उससे दीन का इल्म है, यानी मुराद उससे दीन का इल्म है, ये सियाक में वालों की किताब का मौजू यही है, जामे बयान इल्म यानी अल्लाह का जो इल्म हमको आते हुआ है, अल्लाह ताला ने जो हमको नॉलेज दिया है अपनी हिदायत दी है तो वो क्या है। इल्म की बुनियादें कुरान और सुन्नत है, अम्मा उसूलुल इल्म फल किताब व सुन्ना, ये तो ठीक। अब आगे आगे देखिए कि उन्होंने कुरान के बारे में कोई बात करनी मुनासिब नहीं समझी, वजह क्या है, उसकी वजह यह कि कुरान पर किसी बहस का सवाल नहीं, यानी वो इजमा से मुंतकिल हुआ है, वो तवातुर से मुंतकिल हुआ है, उस पर कौली तवातुर है, ये चूंकि मुसलमा है और इसको वो जगह जगह बयान कर चुके हैं तो यहाँ जो बात उनको कहनी है उसकी वजह से इसको उन्होंने दोहराया, वो तो है ही। अब वतन कैसे वो सुनना किस मैन सुन्नत दो किस्म की, यानी कुरान मजीद के बारे में तो ये मुत्तफ़िक बात है कि वो इजमा और कौली तवातुर से मुंतकिल हुआ, यानी उसमें बहस नहीं कोई, सुन्नत अलबत्ता वो कहते हैं दो किस्म की है, उसमें क्या है अहदो हमा इजमा तनकुलुल काफा अनिल काफा, यानी सुन्नत की एक जो किस्म है वो है इजमा, ये अरबी जुबान में बयान करने का तरीका है और उन्होंने किया कि लिटरल तर्जुमा कर दिया है, मतलब यह कि सुन्नत की एक किस्म वो है जो हमें इजमा से मिली,
तो सुन्नत की एक किस्म वो है जो हमें इजमा से मिली है, अच्छा, या वो इजमा बयान करते हैं जो लोगों की एक पूरी नस्ल से दूसरी नस्ल को मुंतकिल हुआ है, तनकुलुन काफा अलिल काफा, ये क्या चीज हुई, यानी वो इजमा है जो मुतवातिर भी है, यानी जिसमें एक के बाद दूसरी नस्ल उसको अक्स करती आ रही है। वो कहते हैं फहाजा मिनल हिजज अल कातिया लिल आजार, ये एक ऐसी मजबूत हुज्जत है, यानी ऐसी मजबूत दलील है जिससे कते उजर हो जाए। ये बयान करने का तरीका है, हमने बयान किया ना कि हमारे पास मुस्तनद तरीन जो पहुंचता है तो वो इजमा से पहुंचता है, तवातुर से पहुंचता है, तो वो इसको इस तरह बयान करते हैं कि ये इसके बाद अगर कोई आदमी कहता है कि जी ये और पता नहीं ये कुरान रसूलुल्लाह ने दिया या नहीं, तो वो कहते हैं कि ये उजर पेश करने का काबिल नहीं, यानी ऐसी बात है कि जो उजर को मुनक़त कर देती है, आदमी के लिए कोई बात कहने की गुंजाइश नहीं छोड़ती, कत उजर का मतलब ये है। ये उन्होंने बयान किया इज लम यूजद, इजा लम यूजद हुना का खिलाफ, ये वही बात है जो मैंने अर्ज की थी, यानी कहते हैं कि मनफी तौर पर ये जो बात मैं बयान कर रहा हूँ उसमें कोई इख्तलाफ नहीं पाया जाता, वही बात जो मैंने अभी बयान की कि इजमा का मतलब यह कि इत्तेफाक भी है और कोई इख्तलाफ नहीं हो रहा है, मुस्बत और मनफी दोनों चीजें जमा हो गई, तो वो कहते हैं सुन्नत की एक किस्म, यहां तक तो मामला बिल्कुल वाज़ेह हो गया। अब वो कहते हैं कि वमन रद्दा इजमाहुम फकद रद्दा नस्सम मिन नसूसिल्लाह, क्योंकि उनकी किताब का मौजू जो है उसके बारे में रवैया क्या होना चाहिए वो भी है, तो उन्होंने ये जुमला इसलिए लिखा कि जिसने इस तरह के इजमा को, मुसलमानों के इस तरह के इजमा को रद्द कर दिया, उसने गोया अल्लाह की नसूस में से एक नस को रद्द कर दिया, ये उस पर जोर दे रहे हैं कि ये बात इतनी मुस्तनद हो जाती है, इतनी कतई हो जाती है, इतनी वाज़ेह हो जाती है कि जैसे अल्लाह ताला के एक मुतय्यन हुक्म को, नस को उसने रद्द कर दिया। जजबो इस्तताबत हो लैम इराकत दमे ही इल्लम यतुब, अपने असलाफ की जो चीजें हैं उनको बहुत अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। वो कहते हैं कि जब कोई आदमी इस तरह के इजमा का इनकार करते हैं तो लाजिम है कि उसके ईमान और इस्लाम का फैसला किया जाए, यानी वो गोया उनके नजदीक मुसलमान नहीं था, उसने कहा कि मैं कुरान मजीद इजमा से नकल हुआ है या नमाज इजमा से नकल हुई है, मैं नहीं मानता। वो कहते हैं कि इतनी वाजे बात है कि ये जरूरी है उसके ईमान और इस्लाम का फैसला किया जाए, यानी वो असल में अब इस्लाम छोड़ चुका है जब उसने ये कह दिया, तो अब उससे इस बात का मुतालबा किया जाएगा कि तौबा कर लो, यदि वो इस्तेताबत हो, यानी तौबा का मुतालबा किया जाएगा, और अगर वो नहीं तौबा करता तो इर्तदाद की सजा उस पर नाफिज़ कर, यानी फैसला कर दिया जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा, खात्मा हो जाएगा। अच्छा, ये क्यों उन्होंने कहा, वो कहते हैं कि ये इसलिए कि खुरूज ही अम्मा अजमा अहल मुस्लिमून अलदूर बसलूक ही गैर सबील जमीन, उसकी वजह ये है कि उसने एक ऐसी बात का इनकार कर दिया है कि जिसके इनकार के लिए इल्मी और अकली तौर पर कोई गुंजाइश ही नहीं, उस पर इजमा था और इजमा के बारे में दलील का इशारा करते हैं कि कुरान ने यह कहा हुआ है कि वो आदमी अल्लाह ताला अल्लाह के रसूल के खिलाफ गोया ऐलान जंग करता है जो अल्लाह के रसूल के साथ गलत रवैया अख्तियार करते हैं, और यह तब गैर सबील मोमिनीन, और मुसलमानों के मुत्तफ़क अलैह रवैये या राय के खिलाफ अमल करता है। ये आयत जो है इसका मैंने उनके लिहाज से तर्जुमा कर दिया, मेरा नुक्ता इस मामले में आयत से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ है लेकिन इस वक्त उनकी बात समझाना मकसूद है। तो वो ये कहते हैं कि चूंकि उसने ये जुर्म का इर्तकाब किया है, कुरान की नस भी इसके बारे में मौजूद है, तो वो मुसलमान नहीं रहा, हम उससे तौबा का मुतालबा करेंगे और अगर वो नहीं करेगा तो इफ्तार सजा नाफिज करेंगे। ये तो मामला उसका हुआ, यानी इससे जो बात मालूम हुई, बाकी आप जुज़ियात को छोड़ दीजिए कि सुन्नत कुरान तो है ही इजमा, सुन्नत का भी एक बड़ा हिस्सा जो है हमारे उलमा के नज़दीक को बिल्कुल मुजमा है और उसकी यही हैसियत जो है। वो कहते हैं लेकिन बस ज़र्बु सानी मिन सुन्नत, सुन्नत की एक दूसरी किस्म भी है, और वो क्या है, वो है खबर उल अहाद अस्सिकात अल असबात अल मुत्तसिल असनाद, यानी वो सिका सब लोगों की बताई हुई बातें हैं, ये असल में मुहद्दिसीन की इस्तलाहें जो वो हदीस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मुहद्दिसीन आमतौर पर हदीस की रवायत के बारे में जब बयान करते हैं तो वो कहते हैं कि भाई एक ऐसे आदमी की खबर होनी चाहिए कि जो सिका आदमी हो, यानी उसके किरदार सीरत के ऊपर कोई फर्क न करा जा सके, एक मुस्तनद आदमी है, सख्त है, यानी उसका हाफजा ठीक है, वो बातों को समझने वाला है, उसके बारे में इत्मीनान है, तो ये उसकी
मुत्तसिल सनद के साथ। मुत्तसिल सनद का मतलब यह है कि मसलन दूसरी सदी में एक आदमी बयान करता है कि मुझसे फलां साहब ने ये बात कही, तो वो जिनसे बयान कर रहा है, वो जिनसे बयान कर रहा है, उसके दरमियान में कोई इनकता नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये। तो ये कहते हैं कि इस तरह से मिलने वाली खबरों के मामले में, यानी ये जो इस तरह की खबर मिलती है, फहाजा यूजिबुल अमल इंदा जमात उलमा उम्मा अल्लज़ीन हुमुल हुज्जा वल कुदवा, यानी इस उम्मत के अंदर जो जलीलुल कदर उलमा पैदा हुए हैं, जो बहुत इन पे एतमाद किया गया है सब, और जो बड़े काबिल हुज्जत उलमा हैं, वो सब के सब ये कहते हैं कि इस तरह की खबर अगर मिल जाए, यानी सिख आदमी ने बयान की है, एक बड़े महफूज खबरों करने वाले आदमी ने बयान की और सनद मुत्तसिल है, तो उस पर अमल वाजिब हो जाता है। ये खास इस्तलाह है, इसको समझ लेना चाहिए, यानी इल्म नहीं वाजिब होता। जब वो कहते हैं इल्म नहीं वाजिब होता, तो मतलब क्या है? मतलब यह है कि अकीदा नहीं उस पर रखा जा सकता, अमली चीज रख सकती है, अकीदे की बुनियाद नहीं रखी। यू जब अमल का मतलब ये होगा कि मिसाल के तौर पर एक आदमी ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लम नमाज में रफा यदैन करते थे, तो ठीक है भाई, एक आदमी ने बयान किया है, माकूल आदमी है, तो हम अमल कर लेंगे इसके ऊपर। वो आगे बयान करता है कि रसूलुल्लाह सल्लम ने ये बताया था कि तुम्हारे लिए ये मानना भी जरूरी है, पांच ईमानियात के अलावा ये मानना भी जरूरी है कि हजरत मसीह अलैहिस्सलाम क़यामत से पहले आए थे, तो ये इल्म है, यानी ये अकीदा है, इसको नहीं माना। तो उम्मत के जो जिला वो अफर कर रहे हैं, यानी पहली चीज जो सुन्नत इजमा से मालूम होती है उसके बारे में तो आपने उनका फतवा पढ़ लिया, यानी वो एक ऐसी चीज है जैसे खुदा की नस है, उसका इनकार करने वाला इस्लाम से खारिज हो जाता है, उससे तौबा का मुतालबा किया जाएगा, उस पर इतलात की सजा नाफिज कर दी जाएगी, ये उन्होंने बयान किया। ये दूसरी सूरत जो है इसके बारे में ये कहते हैं कि इससे अमल लाजिम आ जाएगा, यानी अमल करना जरूरी हो जाएगा अगर ये बात साबित हो। وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ إِنَّ خَبْرَ الْبَاحِدِ الْعَدْلِ يُوجِبُ الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ جَمِيعًا، ایک بہت مختصر سے گروہ کا علماء میں سے یہ بھی نقطہ نظر ہے کہ اس طرح کی خبر سے بھی عقیدہ اور عمل دونوں ثابت ہو جاتے ہیں۔ اس میں وہ اشارہ کر رہے ہیں ظاہریہ کی طرف، یہ امام ظاہری مسلک کے لوگ رہے ہیں، ان کا اندلس میں بہت گرما رہا، اور کیونکہ بہت بڑے اسکالر بھی ہیں، ان کی کتاب المحلہ خود دینی علوم کا ایک بڑا انسائیکلوپیڈیا ہے، ये नुक्ता नजर अब कहो हमारे मालूम हो गया, यानी बात दूसरे नौ के साथ और शब्दों के साथ और बाद तरामीम के साथ मौजूद है, लेकिन अंदरुस में एक जमाने में और मराकश में और बाद मगरब के ममालिक में, मगरब जो हमारा मगरब, यानी हम मुसलमान मगरब असल में अलजायर तूनस मराकश इसको कहते हैं, तो उन इलाकों में इसका गर्व आ रहा है इस नुक्ता नजर का। तो वो ये कहते हैं कि एक गिरोह का नुक्ता नजर ये है, ये यूं समझ लीजिए कि हमारे उलमा का मसला। अब जब मैं ये जुमला लिखता हूँ कि ये दीन आपके सहाबा के इजमा और कौली और अमली तवातुर से मुमकिन हुआ और दो सूरतों में इस उम्मत को मिला है, तो इसका मतलब ये है कि मैं ये कहता हूँ कि ये दीन जो है इसकी कोई चीज अखबार हाथ से मुमकिन नहीं, यानी ये इस इख्तलाफ को वाजह करने के लिए ये आपको दे दिया गया है। हमारे यहाँ जो अमूमी नुकता नजर है वो ये है, मैंने इसको जब नहीं लिया यहाँ पे, तो इसका मतलब यह है कि मैं ये दावा कर रहा हूँ कि इस उम्मत के पास जो दीन है कुरान और सुन्नत की सूरत में, इसका कोई हिस्सा भी इस दूसरी सूरत में नहीं मिलते। मेरी बात वाजे होगी, इसका इसलिए मैं कह रहा हूँ, यानी ये फर्क समझ लीजिए। वो कहते हैं कि कुरान तो इजमा से मुनकर हुआ है, सुन्नत का भी एक बड़ा हिस्सा इजमा से मुनकर हुआ है, लेकिन उसका एक हिस्सा ऐसा है जो अखबार अहाद से भी मुंतकिल हुआ है, और अखबार अहाद का मतलब है नहीं एक या दो आदमियों ने कोई बात बयान कर दी है। तो मैं ये कहता हूं कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ, ये दीन सारा का सारा, सारा का सारा, इसमें कोई चीज भी निकाली नहीं जा सकती, ये आपके सहाबा के इजमा और कौली और अमली तवातुर से मुंतकिल हुआ और दो सूरतों में इस उम्मत को मिला है, कुरान मजीद और सुन्नत। वो भी यही कहते हैं कि कुरान मजीद और सुन्नत, ये तो सिर्फ बयान का फर्क है, लेकिन ये कि मेरे नजदीक सारा दीन इजमा से मिला, यानी जो मुस्तरद तरीन जरिया दुनिया में हो सकता है उसी से मिला है, और बल्कि उस जरिए के ऊपर दो चीजों का इजाफा हुआ है, एक कौली तवातुर एक अमली तवातुर, जिसने किसी शुबे की गुंजाइश नहीं छोड़ी, कुरान कौली तवातुर सुन्नत अमली तवातुर से। तो इस वजह से इसमें कोई चीज भी ऐसी नहीं कि जो खबर वाहिद से मुंतकिल हुई हो, ये खबर वाहिद वही चीज है जिसको हम हदीस कहते हैं,
یعنی ساری حدیث اصل میں حدیث تو کہتے ہیں نا ہم کہ رسول اللہ کی بات ہے, لیکن منتقل ہونے کے ذریعے کے لحاظ سے یہ کیا ہے؟ خبر واحد, یعنی اصطلاح میں, فنی اصطلاح میں اس کو خبر واحد کہا جاتا ہے, کیونکہ یہ روایتیں تواتر کے درجے تک کوئی ایک بھی نہیں پہنچتی, سب کی سب ایسے دو چار پانچ لوگ. خبر واحد کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک آدمی بیان کر رہا ہے, یعنی وہ اصل میں اصطلاح ہے, ایک ٹرم ہے, جس کا مطلب یہ کہ اجماع اور تواتر حاصل نہیں. اس کے بعد پانچ بیان کر رہے ہیں, سات بیان کر رہے ہیں, پھر وہ خبر واحد ہی ہے اصطلاحی طور پر. تو یہ گویا میں نے آپ کے سامنے ابن عبدالبرق کے حوالے سے, یہ ابن عبدالبرق کی رائے نہیں ہے, یہی تمام امت کے علماء کی رائے, یہ انہوں نے نقل کیا ہے اس کو. ان کی کتاب چونکہ بڑی کتاب ہے اور امول کتاب کی حیثیت رکھتی ہے, اور بیان بھی بہت عمدگی سے کیا ہے, یعنی یہ اندازہ ہو گیا کہ بہت واضح طریقے سے انہوں نے اس موقف کو بیان کر دیا. تو یہ جناب وقت کا ہو گیا, ایسے ہی پانچ چھ منٹ ہے. اچھا, اب اس کے بعد میں نے دونوں کو ڈیفائن کیا ہے, قرآن مجید اور سنت, یعنی پہلے یہ بیان کر دیا اور اس کے بعد بیان کیا. قرآن مجید کے بارے میں ہر مسلمان اس حقیقت سے واقف ہے کہ یہ وہ کتاب ہے. اچھا آپ دیکھیے, صحابہ کے اجماع سے منتقل ہوا, اور صحابہ کے اجماع کے بعد بھی انکتاب ہو جا سکتا تھا, نہیں پھر اس کے بعد مسلمانوں, ہر مسلمان اس بات پر, مسلمانوں کا بھی اجماع ہے, یعنی صحابہ کا تو اجماع تھا, وہ اتنا ہو جاتا تب بھی ٹھیک تھا, یعنی تاریخی طور پر بات ثابت ہو گئی. لیکن اس کے بعد کیا ہے, ہر مسلمان اس بات سے واقف ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے, اور جو اپنے نزول کے بعد سے آج تک, یہ جملہ اصل میں اس تواتر کو بیان کرتا ہے, یعنی کبھی انقطاع نہیں ہوا, اور جو اپنے نزول کے بعد سے آج تک امت مسلمہ کے پاس امت کی طرف سے, یعنی ایک اجماع تھا صحابہ کا, اب اس کے بعد کیا ہوا ہے, امت بھی اس پر پوری طرح متفق ہے, امت کے پاس امت کی طرف سے بل اجماع اس صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ یہی وہ کتاب ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی, اور جسے آپ کے صحابہ نے اپنے اجماع اور قولی تواتر کے ذریعے سے پوری حفاظت کے ساتھ بغیر کسی اگنا تغیر کے دنیا کو منتقل کیا. یہ آپ اس جملے کی معنویت سمجھ لیجیے, اس کا مطلب کیا ہے, اس کا کام دہرایا نا میں نے, یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ بات کہ یہ صحابہ کے اجماع سے منتقل ہوئی ہے, اور یہ بات کہ یہ صحابہ کے اس پر بھی اجماع, یعنی ایسا ہو سکتا تھا کہ صحابہ کے اجماع کی خبر ہم کو کسی ایک مورخ سے مل جاتی, اس پر بھی اجماع, اور یہ چیز جو ہے یہ اس امت کے اندر بالکل, یعنی یہ بات دہرائی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ نے اجماع سے اس کو منتقل کیا, ان کے قولی اور عملی تواتر سے منتقل ہوا, 60 ہجری میں وہ کم و بیش دنیا سے ان کا نظم ختم ہو گیا, اس کے بعد کیا ہوا, یعنی اس کے بعد بھی نہ اس تواتر میں انقطاع ہوا, نہ اس اجماع میں انقطاع ہوا, انقطاع ہوا اس طرح. تو یہ گویا اس قرآن کے منتقل ہونے کی شکل یہ ہے. اور سنت سے کیا مراد ہے, اس سے میرا خیال ہے کہ اگلی دفعہ بحث کی خدا کرے, قرآن مجید کے بارے میں کوئی زیادہ بحث نہیں, یہ صرف ایک ٹیکنیکل جملہ ہے, اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے, یعنی اس کو بیان اس طرح کیا گیا ہے کہ یہ دونوں پہلو اس میں بات کریں. امت کے پاس قرآن موجود ہے, اور اس قرآن کو ایسے اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے پوری امت میں, اور پھر اس کے بارے میں پوری امت بول کر کہہ رہی ہے کہ وہی کتاب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی اس کا امت کے پاس ہونے میں بھی کوئی انقطاع نہیں ہے, اور امت کی طرف سے اس شہادت میں بھی کوئی انقطاع نہیں ہے کہ یہ وہی کتاب ہے. پائی کہاں جاتی ہے, پاس اس کو بیان کر رہا ہے, امت کے پاس ہے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ امت یہ تو کہتی ہے کہ ہاں یہ اللہ کے پاس نہیں ہے, یہ اس حیثیت سے بول رہا ہے. تو اب ان شاء اللہ عزیز اگلی جمعرات کو آپ چھٹی کریں گے, اور ظاہر جب چھٹی ہوتی ہے تو آدمی بہت خوش ہوتا ہے, ہم خوش نہیں ہیں. اگلے ان شاء اللہ عزیز یعنی اس جمعرات کو چھوڑ کر اگلی جمعرات جو ہے وہ فروری میں ابھی چل رہا ہے.